नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2018 के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो यहां पर मेडिकल हो रहा है वो लगभग संपन्न होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब जो बची हुई अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर केवल लास्ट जो फिजिकल होना है वह 13 जनवरी तक यहाँ पर फिजिकल होना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दोस्तों, क्या कब होगा मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं, 13 जनवरी को लास्ट फिजिकल यहाँ पर है। जिनका पहले से रह गया है उन विद्यार्थियों के यहाँ पर 11 से 13 जनवरी तक यहाँ पर मेडिकल होना प्रस्तावित है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो यहाँ पर मेडिकल होगा वह इस 13 के बाद यहाँ पर सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं उनका यहाँ पर 13 जनवरी या फिर 15 इस माह जन मतलब जनवरी के माह जो भी है, जनवरी के माह में आप सभी लोग का यहाँ पर मेडिकल जो है वह कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ क्वालिफाई हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल होगा कब से दोस्तों जनवरी में बता सकते हैं, क्योंकि इसकी फाइनल डेट अभी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए दोस्तों जनवरी में ही माना जा रहा है, क्योंकि जनवरी में ही यह मेडिकल होना प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वह मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि जो पोस्ट ऑफ रिक्त पोस्ट है उनके हिसाब से यदि विद्यार्थी अधिक होते हैं तो मेरिट लिस्ट बनेगी, या फिर नहीं होते हैं तो मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आपका जो मेरिट लिस्ट है इसके बाद जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो यह एक रिजल्ट द्वारा से आएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन का ये लिस्ट के नाम से सब में इनके क्वालिफाई सिलेक्टेड बंदों के यहाँ पर नाम सिलेक्ट किए जाएंगे और लिस्ट में अलाउंस हो जाएंगे। दोस्तों यह लगभग फरवरी के पहले हफ्ते में आपको यह फाइनल सिलेक्शन की रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी है लगभग 10 जनवरी है, कम से कम 20 मतलब 30 दिन में यानी एक माह के अंदर अंदर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी फाइनल सिलेक्शन की रिपोर्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप ओनली आपका यहाँ पर मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पर आपकी 3 स्टेप ही बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर PHT होना है, वह 13 जनवरी के पहले पहले भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे वीडियो या अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट या वीडियो आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।